पूर्वोत्तर रेलवे ने 1 अक्टूबर से ट्रेनों के समय में बदलाव किया है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 अक्टूबर से नई समय सारणी जारी की गई है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ बदलाव भी किया गया है, जिसमें 110 ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है, जिससे 1252 मिनट की समय की बचत होगी। उन्होंने बताया कि तीसरी लाइन बननी शुरू हो गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक के काफ़ी कार्य हो रहे हैं और रेलवे की लाइन इलेक्ट्रीफाई हो गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए नई समय सारणी जारी होती है। इसलिए सभी यात्री नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर जाकर ट्रेनों के समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कब चलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अक्टूबर से नई समय सारणी लागू की गई है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए और उनकी सुविधा के अनुरूप कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 110 ट्रेनें ऐसी हैं जिनको स्पीड अप किया गया है, यानी कि जिसकी गति बढ़ाई गई है, जिससे 1252 मिनट की ओवरऑल बचत जो हो रही है टाइम की, वो हो रही है। और ये जो टाइम टेबल बनाया जाता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि जो कार्य होते हैं, जैसे रेगुलर पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो डबलिंग का कार्य तेज़ी से चल रहा है, तीसरी लाइन भी अब बनना शुरू हो गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन के काफ़ी कार्य हुए हैं, पूरी रेलवे जो ब्रॉड गेज लाइन इलेक्ट्रिफाई हो गई है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल रिवाइज किया जाता है और इन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट करके ट्रेनों के समय में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ऐसे में सभी यात्रियों से रेलवे अपील करता है कि जब भी 1 अक्टूबर के बाद से आप अपना यात्रा प्रोग्राम बनाएं तो एक बार अवश्य जो टाइमिंग है उसको चेक कर लें। टाइमिंग के लिए हम लोगों ने जो हमारे आधिकारिक सोशल मीडिया पेजेज हैं उस पर भी सारा डिटेल डाला हुआ है। इसके अतिरिक्त NTES यानी कि नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर जाकर आप किसी भी ट्रेन के समय की जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और 139 के माध्यम से भी इस तरह की जानकारी अवेलेबल रहती है, वहाँ से भी जानकारी ली जा सकती है।